हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें हम बताएंगे फिल्मोरा 9 के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें वाटरमार्क होता है अगर आप उसका पे नहीं करते हैं। तो आप बिल्कुल निःशुल्क वाटरमार्क के बिना फिल्मोरा का यूज़ करने के लिए वीडियो अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम क्रोम, गूगल क्रोम में जाएंगे और वहाँ पर हम सर्च करेंगे फिल्मोरा की, ठीक है। तो आप इस तरह से क्रोम में जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए फिल्मोरा की। अगर आप यहाँ पर फिल्मोरा की नहीं भी सर्च करते हैं तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप फिल्मोरा की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं फिल्मोरा की, ठीक है। प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है, नेट स्पीड स्लो होने के कारण। तो इसकी पहली वेबसाइट, जो पहली वेबसाइट दी गई है, इस पर क्लिक करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें 8 से 10 की मिलेंगी जिनको हम एक्टिवेट कर लेंगे। तो आप देखिए नेट स्पीड स्लो होने के कारण प्रोसेसिंग, तो ये साइट हमारी खुल गई है MBT। अब इसमें आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे की मिलेगी। इन दोनों को बारी बारी से कॉपी कर लें, इनको कहीं पर भी कंप्यूटर में सेव ना करें, नहीं तो ये एक बार में एक ही काम आएगी, ठीक है। फिर यहाँ से फिल्मोरा ऑन करने के बाद हम जाएंगे एक्टिवेट में, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, फिर प्रोग्राम की को कॉपी करते हैं, आईडी की और प्रोग्राम की, इसको भी कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देंगे, ये पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम अपने इंटरनेट को बंद कर देंगे, याद रहे इंटरनेट डीएक्टिवेट होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ से इस अपना वाईफाई डीएक्टिवेट कर दिया है। इसके बाद हम एक्टिव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्टिव पे क्लिक करेंगे एक डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा और उसको ओके कर देंगे। तो हमारा नेट डीएक्टिवेट था इसलिए ये कोई भी ऑनलाइन की नहीं मांगेगा ना साइट पे जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक फाइल इंपोर्ट करते हैं, तो इस फाइल को इसमें ला के, तो ये फाइल हमारी आ गई है और इस फाइल को हम सेलेक्ट करते हैं मेन्यू बार 1 में, ठीक है, और इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें जो भी एडिटिंग करनी होगी हम अपनी एडिटिंग करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट कर देंगे फाइल को। तो यहाँ से हम फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फाइल को एक्सपोर्ट करने के बाद सेव कर दिया। अब ये हमारी फाइल देखिए, इसमें कहीं भी वाटरमार्क नहीं होगा। देखिए फाइल प्ले होने के बाद आप देख सकते हैं कोई भी वाटरमार्क नहीं है, ठीक है। एक दूसरी फाइल इससे पहले हमने बनाई थी तो उस फाइल को भी देखते हैं प्ले करके। जब मैंने इसको वाटरमार्क को रिमूव नहीं किया था तो उस फाइल में आपको वाटरमार्क दिखाई देगा। तो आइए प्ले करते हैं, देखिए तो इस फाइल में वाटरमार्क दिख रहा होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद हो तो वीडियो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।